चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर, बस्ती जिले में एक शातिर अपराधी ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में अधिशासी अभियंता की कुर्सी पर बैठकर फोटोशूट कराया, फिर इन फोटोज को अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड भी कर दिया। फोटो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। गोंडा और शाहजहांपुर जिले में पुलिस टीमों ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोट सामग्री बरामद की है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई सोमवार को गोंडा में हुए अवैध पटाखा बनाने की फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद की गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बरेली में मौलाना ताकिर रजा खान ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिर कब तक नबी की शान में गुस्ताखी होगी, अब धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, विज्ञापन नहीं दिया जाएगा, बल्कि देश को जाम कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि समाज का एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी गतिविधियों में शामिल हुए तो सख्ती से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवाबों के शहर लखनऊ के चौक इलाके में 1937 से हो रही रामलीला बेहद खास है। इस रामलीला में चांदी की 5 किलो की गदा को उठाकर हनुमान जी खूब तालियां बटोरते रहे। राम लक्ष्मण के धनुष मुकुट सब कुछ चांदी के बने हैं, जो साल दर साल रामलीला के पात्र मंच पर धारण करते हैं। चलिए नजर डालते हैं सातवीं खबर पर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने मिल्कीपुर सीट पर दावेदारी जताई है। हालांकि सपा कांग्रेस गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उपचुनाव से पहले यूपी कांग्रेस ने मिल्कीपुर सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि वह सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कानपुर में इजरायली मशीन के जरिए बुजुर्गों को जवान बनाने का दावा करके 35 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इस मशीन के जरिए ठगी करने वाले कपल ने लोगों से लाखों रुपए लिए। पुलिस ने इस मशीन को अब सील कर दिया है। इस ठगी में शामिल कपल ने बताया कि मशीन से थेरेपी देकर जवानी लौटाने का दावा किया गया था, जिससे प्रभावित होकर लोगों ने बड़ी रकम खर्च की। चलिए हम नजर डालते हैं नौवीं खबर पर। जिस कविता नाम की महिला के हत्या गोंडा में हुआ था और अपहरण हुआ था, अब उस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपहरण और गुमशुदगी की रिपोर्ट गोंडा नगर पुलिस कोतवाली में दर्ज करवाई गई है। वह करीब 3 साल बाद हाईकोर्ट के दखल के बाद लखनऊ से बरामद हुई है। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई है। चलिए अब नजर डालते हैं दसवीं खबर पर। अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को सियासत में लॉन्च करने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि शांतनु राय का नाम यूपी के उपचुनाव में संभावित प्रत्याशी की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है।